أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हां, बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली नेता वाजिद अंसारी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मुरादाबाद से फॉर्मर मिनिस्टर वाजिद अंसारी साहब ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का उन्होंने दामन थामा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जिस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर मोहब्बतों का एक ताता नज़र आ रहा है, उसी के तहत इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन में मजलिस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के मिशन से मैदान में उतरी है और जिस तरह से वो अपनी मेहनतों के ज़रिए से आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मजलिस के चाहने वालों में इजाफा हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराने के मिशन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बढ़ती हुई बुलंदियों को देख कर वहाँ पर हैरान परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से माहौल बन रहा है और आज जिस तरह से मजलिस के चाहने वालों में इजाफा हो रहा है और जिस तरह से मजलिस के चाहने वालों के अंदर एक नया जज्बा और एक नया जोश देखने को मिल रहा है और उसी के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहां पर 150 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का अब ऐलान कर चुकी है और इंशाअल्लाह ताला यहां पर मजलिस को 100 से ज़्यादा सीटों पर बड़ी धमाकेदार जीत दर्ज होगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ देते रहें और मजलिस से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।